भली भाली शक्ल बनाकर खड़े इन लोगों को जरा भी मासूम मत समझिएगा, क्योंकि इनकी चालाकी ने तो बड़े बड़े अधिकारियों को चौंका दिया है। नोएडा के साइबर थाना में 7 ठगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों ने कोई छोटी मोटी ठगी या डकैती नहीं बल्कि पूरे 100 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये लोग तो रिटायर्ड DIG को भी ठग चुके हैं। दरअसल रिटायर्ड DIG राम प्रताप सिंह ने नोएडा साइबर थाने में केस दर्ज करवाया था। शिकायत के मुताबिक फेसबुक पर नाइजीरियन ठगों ने महिला की ID बनाकर रिटायर्ड IG को झांसे में लिया और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की करेंसी के साथ RBI एक्सचेंज और GST क्लियरेंस ऑफिसर बनकर लगभग 8 लाख रुपए ऐंठ लिए। साइबर पुलिस ने इस मामले में कुछ नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि इसमें कुछ भारतीय लोग भी शामिल हैं। ये लोग बदायूं के एक गांव के लोगों का खाता खोलकर ठगी के पैसों को मंगवाते हैं, जिसके बाद साइबर पुलिस ने जांच करने के बाद लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें हमारे रिटायर्ड DIG हैं RP सिंह जी, उनके साथ एक फेसबुक फ्रेंड की महिला, विदेशी महिला जो है, उनसे फ्रेंडशिप की और फ्रेंडशिप करने के बाद वही उनका फ्रॉड हो गया। जैसे कि दोस्ती करने के बाद उनके साथ मतलब कस्टम के नाम पे भेजने के नाम पे उनसे GST के नाम पे RBI के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे कम से कम ने उनसे जो है 8 लाख रुपये ले लिए थे, जिसके संबंध में ऑलरेडी हमने क्रिस्टीन चटमुन को जेल भेज दिया, नाइजीरियन है। भेजने के बाद क्या है, फिर हमने खाते का और अवलोकन किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन में खाते का अवलोकन किया तो उसमें जो खाता धारक थे हमने उनको तस्दीक किया, जिसमें हम प्रशांत कुमार नाम के हैं, जिनको हम कल बधाई गए हैं। और जब मैंने उनको अरेस्ट किया तो उनके अरेस्ट करने के बाद मुझे ये जानकारी हुई कि वो पूरा गांव एक है वहां पे छिजरसुआ गांव है और 12 पूरे गांव हैं, वो पूरा गांव ही मतलब जानकारी में आया कि ये अकाउंट ये लोग नाइजीरियंस को देते हैं। तो ये जानकारी करने के बाद फिर जब जानकारी हुई तो हमने उनसे बात की तो पता लगा जो इसका मेन जो सरगना है जाविर, जो ऑलरेडी करनाल जेल में भी जेल गया था, अभी 4 दिन पहले छूट के आया है और अभी फिर वो यहाँ पे सावेरी में रह रहा था। वो तो उसने मुझे बताया कि सावेरी में रह रहा और उसने कुछ हमें अपना अपना दिया मुझे, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर फिर आकर के इन लोगों को यहाँ पर अरेस्टिंग की, जाविर और राजू और एक है उसमें राहुल, इन लोगों को मैंने अरेस्ट किया। ये लोग गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देकर गांव से दिल्ली NCR बुलाते हैं, साथ ही बदायूं के एक गांव के लोग अपना खाता किराए पर देते हैं, फिर ये लोग उनका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाते हैं। साइबर पुलिस के मुताबिक अब तक इन लोगों ने लगभग 500 खातों के जरिए ठगी करी है और जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का हेर फेर किया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जब काम हो जाता है उसके बाद लगभग 20,000 रुपए अकाउंट देने वाले को ये दे देते हैं, बाकी का सारा पैसा और सारा माल खुद ही रख लेते हैं। चले गए। अब हुआ क्या, वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को दिया और वहाँ पे 1,000 रुपये ले जाता है एक आधार कार्ड को चेंज करने के लिए। उसमें क्या होता है, वो वहाँ पर बिजली का बिल अपने पास रखे रहते हैं बहुत ढेर सारा। जैसे ही वो व्यक्ति जाएगा, आप मुझे 1,000 रुपये दीजिए, इनका अपना टाइप है बहुत अच्छा, 1,000 रुपये देंगे और जो बदायूं का एड्रेस है उस एड्रेस को जो बिजली का बिल है उसमें जिस नाम से बिजली का बिल हो तो ओरिजिनल है, लेकिन उस नाम में एडिटिंग करके उस व्यक्ति जो बदायूं वाला व्यक्ति आया उस नाम का उसको नाम रख देंगे उस पर। अब एड्रेस तो नीचे दूसरा हो गया, नाम वही हो गया। अब जब पुलिस जाती है ढूंढने के लिए तो एड्रेस मिलता ही नहीं है। इन बदमाशों के प्लानिंग और प्लॉटिंग देखकर तो अधिकारी भी दंग रह गए। काफी दिमाग लगाया बदमाशों ने, लेकिन कमबख्त किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब पूर्व DIG से पंगा लिया और सभी धर लिए।